हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल दीपिका स्टाइल। और मैं हूँ दीपिका। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज मैं कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट बताने वाली हूँ। ये देखिए, मैंने यहाँ पे ये दही के कैन लिए हुए हैं खाली। तो आप सब लोग दही तो खाते ही होंगे, तो खाना चाहिए दही, बहुत अच्छा होता है सेहत के लिए। बट डे में खाना चाहिए, नाइट में दही नहीं खाना चाहिए। तो चलिए मैं ज़्यादा बात नहीं करती हूँ, बताती हूँ कि कैसे बनता है। ये खाली कैन है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैं फ्लावर पॉट बनाने वाली हूँ इन दो कैन से जो खाली हैं ये। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ, बताती हूँ कि मैं कैसे इसे फ्लावर पॉट बना सकती हूँ। ये देखिए, मैंने यहाँ पर कुछ कलर्स लिए हैं और एक ब्रश लिया हुआ है। तो हमें क्या करना है, इन जो कैन है इनको हमें पेंट करना है। तो कलर हम चूज़ करते हैं, देखते हैं कौन सा कलर कर सकते हैं। तो इसमें मैं ब्लैक कलर करती हूँ। आप अपने हिसाब के, आपको जो कलर पसंद है आप वो कर सकते हैं। तो मैं इनमें ब्लैक कलर करती हूँ। तो कलर करने के सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो दो कैन है इसको हम ऐसा रखेंगे, उसके ऊपर इसको रखेंगे। तो सबसे पहले हमें इन दोनों को आपस में जोड़ देना है। तो यहाँ पर मैंने ग्लू लिया है, फैब्रिक ग्लू मेरे पास अभी यही है अवेलेबल। आप फेवी स्टिक से भी जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको कुछ इस तरीके से लगाऊंगी। और आप उंगली की मदद से ऐसे ऐसे फैला दीजिएगा। इसमें भी आपको लगा लेना है, हम कुछ इस तरह से लगा देंगे। ये देखिए, मैंने कुछ इस तरह से इसको लगा दिया है और अभी ड्राई होने के लिए रख देंगे। ये देखिए, ये अच्छे से ड्राई हो चुका है, हमने इसमें ग्लू लगाया था। ये दोनों आपस में जुड़ चुके हैं, अच्छे से ड्राई हो चुके हैं। अब हम इसमें पेंट करेंगे। ये देखिए, जैसे कि हमने डिसाइड किया था कि हम ब्लैक कलर पेंट करेंगे, तो ये है हमारा ब्लैक कलर। तो हम इसमें कुछ इस तरह से पेंट करेंगे। जब अच्छे से पेंट हो जाए तो इसको हमें ड्राई होने के लिए भी रखना है। ड्राई हो जाएगा उसके बाद हम इस पर पेंटिंग कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको पूरा पेंट करके दिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने यहाँ पे इसको पूरा पेंट कर लिया है ब्लैक कलर से, जैसा हमने डिसाइड किया था कि हमें ब्लैक कलर करना है। अब हमें क्या करना है, इसका बेस तैयार करना है। तो बेस के लिए मैंने यहाँ पे एक थोड़ा सा मोटा साइज का ये कागज़ लिया हुआ है। ये देखिए, अब मैं इसको क्या करूँगी, इसकी शेप का इसको पेंसिल से मार्क कर लूँगी कुछ इस तरीके से। ये देखिए, ये मार्क हो गया है। अब हमें इसको कैंची की मदद से इसको कट कर लेना है। ये देखिए, मैंने यहाँ पे इसको काट लिया है कुछ इस तरह से, ये गोल कट गया है। अब हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, इसको ऐसे रखना है और ग्लू की हेल्प से इसमें हमें ग्लू अप्लाई करना है, ग्लू लगा देना है। और फिंगर की मदद से या तो ब्रश की हेल्प से आप इसको पूरे में फैला दीजिएगा। कुछ इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा पॉट था इसको हम इसके ऊपर रखेंगे। कुछ इस तरीके से आपको इसको चिपका देना है और ड्राई होने के लिए रख देना है। तो हम इसको ड्राई होने के लिए छोड़ देते हैं। ये देखिए, ये हमारा ड्राई हो चुका है पूरी तरह से और ये हमारा बेस भी रेडी है। अब हम इसमें पेंटिंग करेंगे
तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ पेंटिंग करना। उसके लिए मैंने यहाँ पे कलर लिए हुए हैं, ये देखिए, और इसमें मैंने ये कॉटन बर्ड्स हैं, इनकी मदद से मैं पेंटिंग करूँगी। तो ये हमारा जो पॉट है वो डार्क कलर का है, ब्लैक कलर मैंने अप्लाई किया है, तो आपको लाइट कलर ही यूज़ करना है। तो मैं बताती हूँ आपको किस तरह से करना है, देखिएगा ध्यान से। ये देखिए कुछ इस तरीके से मैंने इसमें बनाया है, अभी हम पूरे में बनाते हैं फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने इसमें पेंट कर दिया है कुछ इस तरह से, ये देख सकते हैं आप कितना सुंदर दिखने लगा है। अब ये आपको लग भी नहीं रहा होगा कि ये जो दही के जो कैन होते हैं खाली, जो हम नॉर्मली हम फेंक देते हैं कि उनका कोई यूज़ नहीं होता है, लेकिन ये देखिए मैंने उनको यूज़ किया है और एक फ्लावर पॉट तैयार किया है। इसमें हम अंदर फ्लावर ऐड कर सकते हैं, तो मैं दिखाती हूँ आपको ऐड करके। ये देखिए यही कैन यूज़ करके मैंने एक ये पॉट बनाया था, ये आप देख सकते हैं, उस पर मैंने ऐसा डिज़ाइन डाला था, ये देखिए। और अभी जो मैंने बनाया है वो राइट साइड वाला है, तो चलिए मैं उसमें आपको पॉट लगा के दिखाती हूँ, उसमें फ्लावर डाल के दिखाती हूँ कि किस तरह से ये लगता है। ये देखिए हमारा पॉट रेडी है, ये देख सकते हैं आप, मैंने इसमें फ्लावर ऐड किए हैं, ये देखिए। तो अगर आपको ये पॉट अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा और शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वहीं बेल आइकन का बटन है तो उसे भी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ या कुछ और नए आर्ट एंड क्राफ्ट के साथ या ब्यूटी टिप्स के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय।